अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोर स्टार किचन। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों। अल्लाह सुबहान ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप सबके साथ एक अच्छी बात शेयर करूँगी। अपने नसीब को कभी भी बुरा मत कहें। जिसने ये लिखा है वो तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है बेशक। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें और कोशिश करें ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज मैं जो रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ वो चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप है, जो कि बहुत ही मजे का होता है और बहुत आसानी से बन जाता है। और इसके लिए मैंने जो जो अज़ा लिए हैं, मैंने चिकन लिया है, ये हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी है। तकरीबन 400 ग्राम मेरे पास चिकन है। इसका हम स्टॉक तैयार करेंगे। इसमें 1.5 टीस्पून नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करूंगी और 5-6 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 1/2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। और ये लहसुन और अदरक ये आपकी अपनी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डाल लें, मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन 2.5 लीटर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। अब इसमें चिकन के पीस ऐड करूंगी और गलने के लिए रख दूंगी। अच्छी तरह से ये गल जाएगा, फिर इसके रेशे रेशे हम काट लेंगे, हड्डी से अलहदा काट लेंगे। साथ ही हम नमक और काली मिर्च भी ऐड कर देंगे, अदरक और लहसुन ये भी। और मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह पकने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से ये गल जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह इसको बनाना है। जैसा कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सबके गले खराब हैं, फ्लू है और दिल करता है ऐसी चीज़ें पीने को, और गर्म गर्म सूप से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो आप भी बनाइए, एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा। और बाकी अज्जा जो इसमें जाएंगे, एक गाजर लिया है मैंने जिसको मैं कद्दूकश करूंगी। इसके अलावा 1 कप मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, इसको मैं चॉप करूंगी। इसको बारीक, इसको बिल्कुल पीसना नहीं है, मोटा मोटा चॉप करूंगी। और इसके अलावा मैंने ओट्स लिए हैं 2 टेबलस्पून, जो दलिया होता है वो लिया है, वो इसमें ऐड करूंगी। और तकरीबन 3 टेबलस्पून मेरे पास ये कॉर्नफ्लोर है, ये एंड पे डालूंगी। और अंडे ये भी 2 एग ली है मैं, ये भी इसको एंड पे डालूंगी। अब साथ साथ आपको बताती जाती हूँ किस स्टेज पे ये सब चीज़ें डलेंगी। और इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि आपने यखनी बनाते वक्त भी उसमें ऐड किया था, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, इसमें ज़्यादा मिर्चें वगैरह नहीं होंगी, इसका पता भी नहीं चलेगा, बस हल्का सा टेस्ट आएगा इसका। और इसके अलावा तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है और 2 टीस्पून मैंने ये सोया सॉस ली है, ये भी एंड पे इसमें ऐड करूंगी। चले अब इस यखनी रेडी हो चुकी है और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसका रेशा रेशा काट लेते हैं और इस यखनी को हम छान लेते हैं और बाकी का आपको बताते हैं किस तरह आप तैयार करना है। इसमें पानी मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा और ऐड किया है। आपने जितना बनाना हो सूप आप उसके अपनी मर्जी के मुताबिक ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें गाजर जो मैंने कद्दूकस की थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और चिकन मैंने रेशा रेशा कर लिया था, इसको भी इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ी देर के लिए ये पकेगा। तकरीबन 10-15 मिनट हो गए, गाजर और चिकन मैंने इसमें ऐड किया था, अब इसमें कॉर्न मैंने चॉप किए हैं वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया, चॉप ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें। ये ओट्स है 2 टेबलस्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है सूप का, ये भी मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूँगी। बनाएंगे
ये नमक, काली मिर्च और हाफ टी स्पून चाट मसाला, आप अगर डालना चाहें तो डाल लें, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। ये भी इसमें ऐड करते हैं, नमक मैं और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। टू टीस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, वन टेबलस्पून विनीगर। ये कॉर्नफ्लोर मैंने अच्छी तरह से पानी में घोल लिया है, इसको मिक्स कर लिया है, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें ऐड करते जाएंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करेंगे। पकते हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं, अब अंडे जो मैंने फेंट लिए थे आहिस्ता आहिस्ता वो भी इसमें शामिल करते जाएंगे। अंडे डालने के बाद भी आपने तकरीबन 4-5 मिनट पकाना है ताकि अंडों की स्मेल ना आए। सूप हमारा बिल्कुल रेडी है, अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे सूप की फाइनल लुक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रेस्टोरेंट जैसा सूप हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का बना है। और सर्दियों में तो वैसे ही इस तरह का सूप पीने को तो बहुत दिल करता है, और इसके साथ मैंने सॉस भी तैयार की है। सब्ज़ मिर्चों को मैंने कूट लिया है उसमें चॉपर में, उसमें विनीगर ऐड किया है, और ये सुरख मिर्च है इसमें भी मैंने विनीगर ऐड किया, जो स्पाइसी पसंद करते हैं ज़्यादा वो थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसके बगैर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरा फेसबुक पेज भी है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।